तो ये देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक सवाल है। ये बैलून ऊपर जा रहा है, बैलून हुआ, रॉकेट हुआ, बस हुआ, ट्रेन हुआ, इन सबको हम रेस्ट से ही स्टार्ट करते हैं। तो बैलून राइज फ्रॉम द रेस्ट, यहाँ बताया हुआ बैलून, ये जो है वो बैलून रेस्ट से स्टार्ट हुआ, U0 है, और ये ऊपर जा रहा है और ये एक्सलेट हो रहा है, इसका एक्सलेशन G/8 है, ठीक ना। अब यहाँ पर कुछ जब ए स्टोन रिलीज फ्रॉम इट, वेन इट जब यच हाइट तक बैलून पहुँच चुका है, ये हाइट एच है, वहाँ से एक स्टोन, ये स्टोन को मैंने रिलीज किया, तो स्टोन नीचे नहीं आएगा क्योंकि स्टोन के पास कुछ वेलोसिटी है। कितनी वेलोसिटी है? जो वेलोसिटी बैलून की है वही वेलोसिटी स्टोन की को मिलेगी। हाँ, हमेशा याद रखना, जब भी कोई बॉडी है किसी फ्रेम से अलग होती है, जैसे ट्रेन से बच्चा कूद जाता है, फ्लाइट से आदमी कूद जाता है, बैलून से स्टोन निकल जाता है, तो जब भी कोई बॉडी किसी फ्रेम से अलग होती है तो उसका एक्सलेशन नहीं मिलता है उसको, उसका वेलोसिटी मिलती है, तो ये वेलोसिटी मिलेगी। तो जब मैं स्टोन को गिराऊंगा तो ये स्टोन पहले ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे जाके रिटार्डेशन, अभी अंडर ग्रेविटी आ जाएगा, इस पर जी लगने लगेगा, एक्सलेशन इस पर जी लगने लगेगा जो कि डाउनवर्ड होगा, तो ये रिटार्ड कर देगा और फाइनली यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और उसके बाद ये दोबारा ऐसे गिरेगा और ऐसे नीचे आएगा। तो कह रहे हैं इसमें क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि स्टोन ऐसे नीचे आएगा, ग्राउंड तक यहाँ पर आएगा, तो टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड, मतलब जब यहाँ T=0 पर गिराया गया था यहाँ, ठीक है ना, इस बैलून से T=0 पर गिराया गया था, तो हमें यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा वो हमें निकालना होगा। चलो मान लो आने में, ग्राउंड तक आने में टाइम टी लगा, तो स्टोन को अगर सिर्फ स्टोन के बारे में सोचो, तो स्टोन के बारे में अगर ए पॉइंट से गिराया गया था तो फाइनली जो है वो ग्राउंड बी पॉइंट पे है, तो कहाँ गया, किस पाथ से गया, उसे मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, बात आ रहा है समझ में, कहाँ गया कैसे गया कोई मतलब। फाइनली स्टोन का डिस्प्लेसमेंट ए बी है, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड है और जो कि हाइट एच के बराबर है, तो अगर फाइनली देखोगे तो जो स्टोन है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टोन ए बी, वो हाइट डाउनवर्ड एच के बराबर है, ठीक है। तो अगर मुझे स्टोन की वेलोसिटी पर चला जाए तो मैं S=UT पूरे के लिए लगा देता हूँ स्टोन के लिए, तो वहाँ टाइम निकल जाएगा। अदरवाइज दूसरा तरीका ये है कि ए से हाइएस्ट पॉइंट तक गया है, ये टाइम निकाल लो, फिर हाइएस्ट पॉइंट से ये वाला टाइम निकाल लो, क्योंकि यहाँ से तुम तब फिर उन दोनों को जोड़ दो, बात अगर समझ में, लॉजिक। तो सबसे पहले तुम देखो, मैं बैलून की फाइनल वेलोसिटी निकालता हूँ, तो अभी मैं इक्वेशन जो लिख रहा हूँ वो बैलून के लिए लिख रहा हूँ, तो बैलून के लिए अगर मैं लिखूँ तो यहाँ से मैं V²-U²=2As मैं बैलून के लिए लिख रहा हूँ, तो फाइनल वेलोसिटी बैलून की जो कि हमें चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी 0 और ये -2G और हाइट h, इसका मतलब ये हुआ कि तुम यहाँ से देखोगे जी, ये वाली जो एक्सलेशन है जो जी नहीं लगेगी क्योंकि बैलून एक्सलेट हो रहा है, तो ये G/8 आ जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी जो आ जाएगी वो माइनस, तुम देखोगे माइनस माइनस ख़त्म हो गया, वो आ जाएगा जी और ये GH/4 अंडर रूट, ठीक है ना। तो ये वेलोसिटी उस वक्त है बैलून की जिस वक्त हाइट एच अटेंड किया है, और यही यही वेलोसिटी, दिस वेलोसिटी गोज़ टू स्टोन, दिस वेलोसिटी जो है और दिस वेलोसिटी गोज़ टू स्टोन, तो ये वाली जो वेलोसिटी है वो स्टोन को मिल जाएगी। अब बात करते हैं स्टोन को, ये वेलोसिटी मिल गई, तो स्टोन का डिस्प्लेसमेंट एच हुआ है, तो फॉर स्टोन, अगर मैं स्टोन के लिए बात करूँ आपके लिए, तो S=UT S=UT+½AT² स्टोन के लिए लगा दो, तो बाय डिफ़ॉल्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन मेरा निगेटिव है, तो आप इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर मैं स्टोन के लिए इक्वेशन लिखा हूँ, तो स्टोन का डिस्प्लेसमेंट माइनस एच हो गया, स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी भी अपवर्ड है, और स्टोन को आने आने में, नीचे आने में टाइम टी लग गया, और -½ स्टोन अर्थ के अंडर मूव करा और G/T², ठीक है ना, तो ये वाली चीज़। तो अगर देखोगे तो -H यहाँ से, B की वैल्यू तुम यहाँ से रख दो, GH/4 अंडर रूट यहाँ से और टाइम टी और -½ यहाँ से GT², मतलब ये आ जाएगा GH अंडर रूट और टाइम टू और टी और -½ यहाँ से और GT² और यह -H। तो अगर तुम देखो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दोगे तो -2H
और इक्वल टू जी एच अंडर रूट और टाइम टी और माइनस यहाँ से जी और टी का स्क्वायर, टू से मल्टीप्लाई कर दिए, इक्वेशन ऐसा क्वाड्रेटिक बनेगा। तो अगर तुम देखोगे तो जी टी स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ से जी एच अंडर रूट, जी एच अंडर रूट और टी से मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ से, और इनको मैंने इधर लाया और माइनस टू एस, तो ये टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। अब अगर इसी को मैं सॉल्व कर लूँगा तो मुझे टाइम पता चल जाएगा कितना लगा होगा। तो थोड़ा एक काम करते हैं, जी से ऊपर नीचे अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो ये इक्वेशन और सुंदर दिखेगा। तो अगर तुम टी स्क्वायर यहाँ से देखोगे तो माइनस जी से डिवाइड करोगे तो रूट के अंदर जी स्क्वायर लगाए तो एच बाई जी अंडर रूट ए हो जाएगा और टाइम टी, और माइनस टू एच बाई जी अंडर रूट ए हो जाएगा, इक्वल टू जीरो, एच अपन जी ये आ जाएगा। ठीक है, तो टाइम की जो वैल्यू आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है माइनस बी मतलब एच बाई जी और प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब एच बाई जी का रूट का स्क्वायर करोगे, माइनस प्लस फोर ए सी, फोर टाइम्स ए सी मतलब टू एच अपन जी और ये सब कुछ अंडर रूट और डिवाइड कर दो टू ए से, तो ये वाली चीज़। तो अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो देखोगे तो एच बाई जी अंडर रूट यहाँ आया और ये प्लस माइनस यहाँ से आया, एच बाई जी तो था यहाँ और यह आ जाएगा एट एच बाई जी अंडर रूट, ठीक ना। तो जब इसको सॉल्व करोगे डिवाइडेड बाई टू तो यह आ जाएगा एच बाई जी यहाँ से और प्लस माइनस, तो प्लस माइनस इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा यार, नाइन एच बाई जी ये वाली और डिवाइड बाई टू ए, तो नाइन एच बाई जी कितना आ जाएगा, यहाँ से एच बाई जी अंडर रूट मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये वन प्लस माइनस यहाँ और ये थ्री बच गया डिवाइडेड बाई टू। तो अगर तुम यहाँ से टाइम देखोगे तो मैं माइनस साइन इग्नोर करता हूँ तो प्लस साइन लेता हूँ, तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से टू टाइम्स एच बाई जी अंडर रूट, ठीक ना। तो यहाँ से इसको तुम देखोगे ये वाली मतलब कौन सी ऑप्शन मैच कर जाती है वो देख लेते हैं, तो टू एच बाई जी मतलब हमारा बी ऑप्शन मैच कर गया। थैंक यू बाबा, टेक केयर।